वेलकम बैक फ्रेंड्स, इंग्लिश शॉर्ट हैंड कोचिंग के इस अनदर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने जहाँ तक स्टेनो को छोड़ा था ना, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने SW तक ख़त्म किया था, तो उसके कुछ फ्रेजेस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज और शॉर्ट फॉर्म्स है जो आज हम इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। और आज एक नए चैप्टर का भी शुरुआत करेंगे, जो वो चैप्टर तो आज की इस वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगा आई थिंक, तो हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो ये मैंने कुछ फ्रेजेस लिख रखे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ शॉर्ट फॉर्म है उसके SW के और SS के। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं, इसे हम कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं एज वी हैव की बात करूं, तो इसको ना डबल एस, जो बड़ा वाला जो सर्कल जो हम लोगों ने लिखना सीखा था, लिखने के लिए सीखा था, तो वो बेसिकली वही है। SS को डबल करके लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं उसे। तो इसको क्या करेंगे ना, एज वी हैव, तो हैव जो डार्क में हम लिखते हैं ना, डार्क में ही लिखना है, और एज वी के लिए जो बड़ा वाला सर्कल है वो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। ये हो गया हमारा एज वी हैव, बड़ा सा सर्कल, नॉट ए स्मॉल सर्कल, ओके, SW वाला सर्कल और SS वाला, ओके। नेक्स्ट हमारा है एज वी थिंक, सेम ही है थिंक का जो मैंने बताया था, जो इथ और दी वाला जो स्टॉक बनता है, तो एज वी थिंक के लिए बड़ा वाला सर्कल लेंगे और ये लाइट में जाएगा इस प्रकार से एज वी थिंक। एज वी शैल की बात करें तो सेम ही है, वैसा ही हम लोग करेंगे। एज वी शैल जो हमारा एक लाइट में आता है, बिग सर्कल में आएगा ये इस प्रकार से, ओके। तो ये इस प्रकार से हम एज वी शैल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एज वी आर, ओके। सो एज वी शैल हो गया, एज वी थिंक हो गया, एज वी आर। तो एज वी आर के लिए हम क्या करेंगे ना, सिंपल है। एज वी आर के लिए हम लोग एज वी और आर, ये जो आर है ऊपर वाला, नीचे वाला आर नहीं, तो एज वी आर हम ऐसे लिखते हैं। इसे STR मत बना दो आप, जो ये जो है ना STR, अगर आप इस प्रकार से आप लिखते हो तो ये STR हो जाता है, लेकिन नहीं, इसको सर्कल में लिखना है, सर्कल में, ओके। एज वी आर, अगर एज वी मे की बात करें तो ये भी हमारा जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फ्रेज है, तो एज मे वे जो एज वी मे जो है, एज वी मे, तो ये हमारा हो गया एज वी मे। अगर एज वी नो की अगर बात करें, सेम एज वी नो। एज वी कैन की बात करें तो As we can, as we are की बात करें, as we are मैंने यहाँ भी लिखा है, sorry इसके लिए, तो यहाँ भी लिख ही देते हैं as we are। as well as की बात करें तो ये एक बहुत ही important है, ये इसको special phrase में रखा गया है, okay। तो as well as, बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल, ये ऐसा एज वेल एज, ये हो गया हमारा एज वेल एज, आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो आगे चलते हैं। तो अगर हम दिस सिटी की बात करें तो हमारा दिस इज की बात करें तो दिस इज हमारा, दिस एक स्मॉल सर्कल में लिखते हैं, और दिस इज अगर इस साथ में आता है डबल एस तो बड़ा वाला सर्कल, दिस इज, दिस इज द सेम एज दिस इज एंड द के लिए थोड़ा सा निकाल देंगे इस प्रकार से, दिस इज द। दिस सिटी की अगर बात करें तो ये जो दिस और SSS के लिए, एक्चुअली इसमें डबल एस आ रहा है ना, इसीलिए दिस सिटी, ओके। तो ये हो गया हमारा। अगर एस सून एस की बात करें तो एज सुन एज हमारा हो जाएगा बड़ा वाला सर्कल
और एक स्मॉल वाला सर्कल। ओके, एज सुन एज, अगर एज सुन एज पॉसिबल की बात करें तो एज सुन एज बड़ा वाला सर्कल, स्मॉल वाला एंड पॉसिबल के लिए पी। ओके, ये इस प्रकार से एज सुन एज पॉसिबल। तो ये आपका फ्रेजेस हो गए। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड स्टेट्स अगर लिखना है ना, ये हमारे शॉर्ट फॉर्म से इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो यूनाइटेड स्टेट के लिए एन और बड़ा वाला सर्कल, ये एक नाउन है, एक नेम है, तो हम इसमें इस प्रकार से लगाते हैं नाउन को पहचानने के लिए। ओके, न्यूयॉर्क की बात करें, सेम एज न्यू, ये हो केक, ये हमारा हो गया न्यूयॉर्क। लार्जेस्ट की बात करें तो ऊपर से ही आएगा आ के लिए जो आ रहा है फर्स्ट प्लेस, तो एस टी वाला लार्जेस्ट, ये थोड़ा सा लंबा ले लो लार्जेस्ट। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स हम इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन अमेरिका अगर आता है तो इसमें ये लगा देते हैं के वाला ऐसा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर स्पेशल और स्पेशली की बात करें, एस और पी, ये हमारा स्पेशल हो जाता है। ओके, ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो ऊपर में फर्स्ट प्लेस एन, आई एन जी का जो डार्क वाला होता है ना ये, और यंग की अगर बात करें तो वही आई एन जी को अगर नीचे लाइन के नीचे लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है यंग, लेकिन ये सिंगल आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म का मतलब है सिंगल, तब जाके ऐसा हम पढ़ेंगे। एनीथिंग की अगर बात करें तो एन और आई एन जी वाला एन, डार्क वाला एनीथिंग, और नथिंग का सेम है जो ए के लिए हम फर्स्ट प्लेस वॉवल के साथ हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है हम लोगों ने, तो नथिंग में हमारा सेकंड प्लेस वॉवल जो कि ऑन द लाइन, तो एन के लिए और आई एन जी के लिए नथिंग। सेम है समथिंग के लिए सेकंड प्लेस वॉवल, समथिंग ये आपका समथिंग है, एम नहीं आएगा इसमें, तो इसको क्या करते हैं ना, यहाँ मैं लिखता हूँ सम और आई एन जी के लिए ये समथिंग आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ओके, तो ये हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और स्पेशल फ्रेजेस थे। तो चलिए आगे देखते हैं आज का न्यू चैप्टर, ये आप इसे प्रैक्टिस अच्छे से कर लें क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इस ट्रेनों अगर अच्छे सीखना चाहते हैं तो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज का जो नया चैप्टर है ना वो है हाविंग। हाविंग का मतलब होता है जोड़। ओके, मतलब इसे ना एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कुछ लिखा है, इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल अ लाइट स्ट्रोक इज जनरली हैव टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी बट नॉट अ फॉलोइंग डी। फॉर द एग्जाम्पल कि अगर कोई लाइट स्ट्रोक के साथ अगर हाफ का इस्तेमाल करना है तो उसका जो मतलब निकलेगा वो टी निकलेगा ना कि डी निकलेगा। ये लाइट की बात किया जा रहा है, लेकिन जनरली नॉट मतलब हर जगह पे ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर में अगर आपने लाइट के साथ इस्तेमाल किया है ना उस हाफ का, हाविंग का, तो उसका जो कंसिक्वेंस होता है, रिजल्ट होता है, वो टी होता है ना कि डी होता है। वही अगर डार्क में आकर किसी स्टॉक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब डी होता है। तो इसको समझने के लिए ना एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं नॉट, एन ओ टी। तो नॉट के लिए हम क्या करेंगे ना, तो नॉट, सो नॉट, तो नॉट के लिए हमारा ओ आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो एन जो है ना, जो हम ये क्या लिखेंगे नॉर्मल अगर स्टॉक में साथ में लिखेंगे तो एन और टी, और ओ के लिए ये लगा देंगे, ठीक है नॉर्मल में। लेकिन हम इस हाविंग का इस्तेमाल करके इसे शॉर्ट में बना सकते, इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नॉट के लिए हम क्या करेंगे, एन जो है ना इसको छोटा कर देंगे एन, और इसमें जो ओ का जो वॉवल है वो लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा नॉट। तो नॉट की कैसे हुआ, क्योंकि ये हम लोगों ने हाविंग का इस्तेमाल किया है, आधा स्ट्रोक का इस्तेमाल किया है। और हाविंग में होता क्या है ना कि अगर
आपने कुछ किसी स्टॉक को आधा करके लिखा है तो उसके जो आने वाला जो स्टॉक है वो या तो टी या डी होगा। अगर लाइट है तो टी होगा, डार्क है तो डी होगा। यहाँ पे आधा स्टॉक एन और एन के बाद जो आ रहा है ना आधा, वो आ रहा है टी नॉट। ओके, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है नॉट के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नॉट एन ओ टी ई। ओके, तो इस नॉट के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें आ रहा है हमारा ओ, ओ नॉट, इसमें नॉट आ रहा था नॉट, ओ इसमें ओ आ रहा था। हमारा क्या है, ओ क्या है, सेकंड प्लेस वॉवेल है, तो ऑन द लाइन। तो टी के लिए टी आ रहा है ना नॉट, तो एन के साथ टी हाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ टी का, हाफ टी हमारा एन में ही आ जाएगा, तो स्मॉल एन का इस्तेमाल करेंगे एन, और ओ के लिए ये वाला नॉट। ओके, फिर लेते हैं एग्जांपल, एक और लेते हैं आंट, ए सॉरी ए यू एन टी। ओके आंट, तो आंट के लिए क्या करेंगे, आ हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल आ रहा है, एन हम स्मॉल लिखेंगे और टी हमारा इसमें आ गया, एन और टी जो आधा हम लोग ने छोड़ा है टी के लिए, तो ये हमारा हो गया आंट। वैसे लेते हैं कैट, एक्ट लेते हैं, एक्ट एक एक्ट, तो एक्ट के लिए क के लिए ए हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल आ रहा है, तो क हमारा आ जाएगा के फर्स्ट प्लेस, लेकिन छोटा लिखेंगे, बड़ा नहीं लिखेंगे, तभी जाकर के हमारा टी हमारा क के साथ आएगा, तो स्मॉल लिखने के बाद ए के लिए ये लगा देंगे, ये हो गया हमारा एक्ट। इस प्रकार से अगर पूरा लिखना है कॉन्सोनेंट के साथ, वैसे भी आप लिख सकते हैं लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, और स्टेनो में हमें स्पीड में लिखना होता है, तो हमें ये सब सारी चीज़ें अपनानी पड़ती है, इसलिए आप अच्छे से स्टेनो सीखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक्ट के लिए हम लोग सी क और टी और ए के लिए ये लिखते थे, लेकिन नहीं, अब लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हाविंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग यह जान चुके हैं कि एक्ट लिखने के लिए टी का उच्चारण करने के लिए ऐसा भी अगर करते हैं तो हमारा एक्ट हो जाता है, तो हमें ये आसानी हो जाती है स्टॉक बनाने में और टाइम बचता है इसमें। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्ट तो हो गया हमारा, एक कॉट लेते हैं, सी सी ए यू जी एच टी कॉट। सो ये लिखने के लिए क्या करेंगे, ऑग आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस वॉवेल ऑ के लिए, और टी के लिए आपको पता है ना, ये हो गया हमारा कॉट। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सी और टी इस प्रकार से लिखने की जरूरत नहीं है आप, ये भी हमारा कॉट हो गया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कोट, सी ओ ए टी। ओके, तो ओ हमारा सेकेंड प्लेस वॉवेल है, तो ऑन द लाइन लिखेंगे सी, और हाफ लिखेंगे तो टी हमारा आ ही जाता है क्योंकि लाइट है ना सी क, और ओ के लिए सेकेंड, ये हमारा हो गया कोट। कट के लिए क्या करेंगे, ये डार्क है, सी यू टी कट के लिए हम क्या करेंगे, क और आधा में टी आ गया तो हो गया ये, और यू के लिए क्या करेंगे, लाइट में सेकेंड प्लेस वॉवेल कट। फिर से एग्जांपल लेते हैं मीट, तो ये थर्ड प्लेस वॉवेल डार्क में आता है, तो ये हमारा हो गया एम, तो ये जो है ना ऑन द लाइन आएगा, और टी के लिए स्मॉल लिखने के बाद टी ऑटोमेटिक आ जाता है, और ये अगर हो गया हमारा ए। ओके, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है फुल स्टॉक के साथ। फॉर एग्जांपल अगर फैट लिखना है, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई नहीं, फैट के लिए सेम ही है, फैट के लिए ए हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल, टी हमारा इसी में आ गया स्मॉल लिखने के बाद, ए के लिए ये हो गया हमारा फैट। फाइट के लिए फाइट, आई वाला फाइट और टी हमारा इसी में आ गया, लेट के लिए टी इसी में आ गया, ई के लिए लेट, मार्केट के लिए एक मार्क लेते हैं, एम ए आर के ई डी मार्क, तो आ के लिए फर्स्ट प्लेस वॉवेल मार और आ और केट के साथ डी मार्केट, ए मार्क्ड नॉट मार्केट मार्क्ड। लेफ्ट की अगर बात करें तो एल सेकेंड प्लस वॉवेल और एफ, तो एफ के लिए क्या करेंगे, आधा एफ, एफ के साथ टी आ रहा है तो लेफ्ट सेकेंड प्लस वॉवेल। सॉरी दोस्तों, आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं लग रहा है आई थिंक, इसलिए मेरी आवाज़ें कुछ चेंज आपको दिखेगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप इसी में आप मैनेज कर लो,
क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ धीरे धीरे डाउन होते जा रही है। आई डोंट नो, मैंने अभी नींबू पानी पिया है, आई थिंक उसके कारण हो सकता है। कोई नहीं, कल पता चलेगा क्या होगा मेरे गले के साथ। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, चेक्ड। तो सेकंड प्लेस वॉवल चेक्ड के लिए, और का के लिए, का के साथ डी आ रहा है, चेक्ड। तो मैंने बोला था आपको कि अगर लाइट, के हमारा क्या आता है लाइट, जी हमारा क्या होता है डार्क। तो जी के साथ डी आए ये जरूरी नहीं है, और के साथ हमेशा टी आए ये जरूरी नहीं है। तो ये डी भी आता है इसके साथ, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये जो रूल है ना सब पे लागू नहीं होता है, किसी किसी पे लागू होता है, तो इतना ध्यान नहीं देना है। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपने लिखा क्या है। फॉर एग्जाम्पल लिखना है नाइट, NIGST। तो आई के लिए, नाइट के लिए और टी के लिए आ रहा है, तो ये आ गया एन और टी, और आई के लिए हम क्या करेंगे, आई नाइट, ये हमारा हो गया नाइट। तो अब इस प्रकार से ना सारी चीज़ें आप आसान कर सकते हो। चलिए कुछ और इसमें देख लेते हैं कि जो सर्कल एस होता है ना, अगर इस प्रकार के स्टॉक में आप हाविंग के स्टॉक में सर्कल एस का इस्तेमाल करते हो ना, तो वो हमेशा लास्ट में पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं नोट्स, NOTES, नोट्स। तो नोट अगर हो, सिर्फ नोट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा नोट हो जाता है, और ओ के लिए ये। लेकिन एस अगर आ रहा है तो स्मॉल में ही स्मॉल सर्कल आ जाएगा, और ओ के लिए ये। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि नोट अगर हमें लिखना है तो हम सिर्फ हाफ हाविंग में लिखते हैं, और अगर एन लिखने के बाद हमारा टी आ रहा है तो एस लिखने के लिए ना, लास्ट में एस लिखने के लिए हमें ये, और जो एस है ना वो हम लास्ट लास्ट में पढ़ते हैं एकदम लास्ट में। इसका मतलब ये कि एन और टी पढ़ने के बाद, मतलब नोट्स, नोट के बाद एस लाएंगे तो नोट्स। ओके, इस प्रकार के अगर सेंटेंस या वर्ड लिखने हैं तो। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक्ट। एक्ट के लिए क्या करेंगे, एक्ट के लिए हमें सिंपल सा फंडा है सी और टी, और आई के लिए ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल, और वही अगर एस लगाना है तो क्या करेंगे, एक्ट्स। ओके, हाविंग में टी लिखने की जरूरत नहीं है, टी हमारा इसी में आ रहा है। अगर हमें एक एग्जांपल और लेते हैं, लॉट्स। तो लॉट्स के लिए एल, और टी तो हमारा इसी में आ गया, और एस के लिए, और ओ के लिए हम क्या करेंगे, ओ आ रहा है ना, तो हमारा सेकेंड प्ले सेकेंड में आ जाएगा हमारा ओ, लॉट्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, WAITS, वेट्स। ओके, तो वेट्स के लिए क्या करेंगे, वे, और आपको पता है कि इसी में हमारा टी आ रहा है तो स्मॉल में, तो और एस लगा देंगे सिर्फ, ये हमारा वेट्स हो गया सेकेंड प्लेस वॉवेल, एक ए के लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं, NIGHTS, नाइट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, आई के लिए तो फर्स्ट प्लेस वोवेल आ रहा है, डिप्थोंग्स आ रहा है आई, और एन हमें एन में ही हमारा टी आ जाएगा, और एस के लिए ये, और आई के लिए ये हमारा हो गया नाइट्स। हमें ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से हम अगर इतना भी लिखते हैं तो हमारा काम चल जाता है। तो ये फ़ायदा होता है कि आपका टाइम बचता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो डी जो है ना, जनरली उसमें हम पहले हम लोगों ने देखा कि जनरली जो आता है वो टी आता है, और इसमें हम देखेंगे जो हैप्पी स्टॉक में आता है वो जनरली डी आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही डी आएगा, टी भी आ सकता है, लेकिन जनरली डी आता है। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो अगर लिखना है बैड, BAD, बैड के लिए क्या करेंगे, बी हमारा डार्क है, हैप्पी है बी। ओके, और अगर बी को हम आधा लिखते हैं तो इसी में हमारा डी आ जाता है, क्योंकि हाविंग में, हाविंग के हिसाब से, और ए के लिए ये, सॉरी बी ए और ए के लिए ये फर्स्ट प्लेस बैट। ओके, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बी और डी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम पहले पढ़ते थे, धीरे धीरे हम लोग चेंज करेंगे। अभी तो स्टार्टअप है, अभी बहुत कुछ सीखना इसमें बाकी है,
दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेद, बेड, बी ई डी, ओके। तो सेकंड प्लेस वॉवेल आता है तो ऑन द लाइन होता है ये, तो हाफ लिखेंगे और ई, ये हो गया हमारा बेड। डाइट का वही है डी आई ई डी, डी आई ई डी, तो डाइट के लिए शॉर्ट में लिखेंगे हम डी को आधा और आई के लिए ई, ये हमारा हो गया डाइट। डेड के लिए डेड हमारा क्या होता है, सेकंड प्लेस वोवेल होता है, हाफ में लिखेंगे डी ई डी, ये हो गया हमारा डेड, ओके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपके स्पीड इन, आपके स्पीड में लिखने में, क्योंकि स्टेनो स्पीड का चीज़ है। अगर आप 80 या फिर 100 वर्ड भी पर मिनट भी लिख रहे हैं तो आप कुछ नहीं लिख रहे हैं। अगर आपको अच्छा स्टेनोग्राफर लिखना है तो 120 वर्ड पर मिनट से 140 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, तब जा कर के आप किसी भी एग्ज़ाम को इजीली आप क्रैक कर सकते हो। तो आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चेंज्ड, चेंज्ड की अगर बात करें तो चेंज्ड के लिए क्या करेंगे, सेकंड प्लेस वोवेल है छे और एन और जा आधा लिखेंगे और डी हमारा इसी में आ गया, चेंज्ड, डन। तो चलिए इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि हैविंग का जो ये जो कुछ रूल्स है हम लोग समझ चुके हैं, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म इसमें ले लेते हैं और आगे का जो ये है, आगे का जो इसमें रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्या नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हैविंग का ही रखूँगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं आज के इस वीडियो में, कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा टाइम ज़्यादा हमें मिल सके पढ़ने के लिए हैविंग्स के बारे में, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो पहला है क्यू यू आई टी, क्वाइट। तो क्वाइट के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल में अरे हैविंग में के, देन कुड, सी ओ यू एल डी, कुड के लिए क्या करेंगे ऑन द लाइन हैविंग में दैट, दैट के लिए ऊपर से हम फर्स्ट प्लेस वॉवल में लिखेंगे स्मॉल में दैट। वही वही अगर विदाउट की बात करें तो ये दैट ऊपर में लिखा आपने, उसको नीचे लिखना है ऑन द लाइन, ये हमारा विदाउट हो जाता है। फिर लेते हैं सेंट, सेंट की अगर बात करें तो स्मॉल हैविंग में सेंट। विश्ड की बात करें, अगर विश्ड की बात करें तो विश्ड हमारा हो जाता है ये हमारा हैविंग में ये विश्ड स्मॉल में। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछें। और आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हैविंग को पूरा ख़त्म करेंगे, फिर उसके आने वाले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर आपको इसे प्रैक्टिस करना है बुक से तो न्यू इरा की जो बुक है ना वो आप लें, उसमें हैविंग चैप्टर निकाल करके आप उसे वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिया था, बुक जरूर ले लें, विदाउट बुक का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बुक रेफर करता हूँ, ये बुक है न्यू इरा की बुक है, ये आप ले लें, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बुक है जो कि अच्छे से आप स्टेनो यहाँ सीख सकते हैं। तो अभी आज जो हम मैंने बताया था आपको, मैंने यहाँ से बताया आपको, अगर आप देखें तो हैविंग चैप्टर आपका यहाँ पे है, आपका ये है 10th चैप्टर है हैविंग का। तो ये आप 10th चैप्टर निकालें पेज नंबर 33 और यहाँ से आप प्रैक्टिस करें, ओके। आप प्रैक्टिस करने के लिए अभी तक मैंने यहाँ तक ये पूरा बता चुका है, मैंने पूरा बता चुका हूँ। तो ये ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस आप यहाँ से करें, इसकी प्रैक्टिस करें, कॉपी करें, पढ़ें, ओके। और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी
प्रेस कर ले ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।